नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया 18। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। सरकारी योजनाएं आती तो गरीबों के लिए हैं, मगर लाभ अफसरों के चहितों को ही मिलता है, भले ही वो हकदार हो या नहीं। चहितों के बाद योजनाएं गरीब या यूं कहें हकदारों तक पहुँचती है। प्रधानमंत्री आवास योजना का हक भी कुछ ऐसा ही है। जिंदगी भर कच्चे घरों में गुजर बसर करने वालों को आवास के बजाय आश्वासन की घुट्टी पिला दी जाती है। अब जरूरतमंद एक अदद छत की उम्मीद लेकर जिंदगी काट रहे हैं। कच्चे मकान में गुजर बसर करते कई बरस गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक आवास नहीं मिला। तिरवा क्षेत्र के ग्राम ककरा गांव निवासी श्याम सिंह पुत्र राजा बाबू ने अपनी आवाज न मिलने पर आवाज उठाई। उन्होंने बताया, आवास के लिए हमें इधर उधर चक्कर लगाने के बावजूद भी कोई भी आवास का लाभ नहीं मिला। वहीं परिवार के साथ कच्चे मकान में रहकर गुजारा करते हैं, जो कि रात में बारिश के कारण उसकी छत अचानक गिर पड़ी, जिससे उसके नीचे सो रहा परिवार बाल बाल बचा। सूचना मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। छत गिरने का कारण पक्का आवास न होना, अधिकारियों की लापरवाही के चलते गरीबों की पहुंच से दूर आवास योजना का लाभ, जिससे गरीब कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं। असहाय गरीब व्यक्ति ने बताया, आवास के लिए चक्कर लगाते लगाते थक गया हूं, अब तो आश्वासन की चादर ओढ़कर सो रहा हूं। कन्नौज से ब्यूरो चीफ अभिषेक तोमर की रिपोर्ट। नाम क्या? श्याम सिंह। श्याम सिंह जी। अच्छा, और पिताजी का नाम? राजा बाबू। राजा, और ये कौन ग्राम में पड़ता है? ये ककरा गाँव है, ललुया मुंजा। अच्छा अच्छा, ये घटना कैसे हो गई, कब हुई? ये रात में भाई है। अच्छा, शिकायत भी की है? और मतलब भी नहीं भाई है। अच्छा अच्छा, और मतलब यहाँ मतलब कल दिन में गिरा या भाई शाम को? आज ये तीसरा दिन है। तीसरा दिन है? अच्छा अच्छा, तो मतलब रात में गिरा या दिन में? रात में गिरा, लेटे थे सब दिन। अच्छा अच्छा, और कहीं शिकायत नहीं की? शिकायत की है, फिर? कोई सुनवाई नहीं हुई है। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं? नहीं। अच्छा अच्छा, शौचालय उचालय वगैरह मिला? हाँ, वो शौचालय मिला है। अच्छा अच्छा, सही है, गिरा तो अच्छा। तो मैं कॉल आ भी है।